खाना कैसा लगा? बहुत मजे का था। मैंने कहा था ना, बहुत टेस्टी खाना बनाती है वो। ज़ैन मैं चलता हूँ यार। कहीं भी नहीं जा रहे हो तुम। ये टॉपिक अब खत्म हो चुका है, मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दे रहा हूँ। टाइम देखा है तुमने, कहीं भी नहीं जा रहे हो तुम। अरे नहीं नहीं मैं पहुंच जाऊँ। बिल्कुल इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, चाय पियो। अब तुम कहोगे कि मैं अपनी वाइफ की तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन चाय भी बहुत अच्छी बनाती है। अच्छा रानिया, तुम्हें याद है मैंने तुमसे एक दफ़ा जिक्र किया था राहील और इनकी फैमिली का, कि इनके बहुत एहसानात हैं मुझ पर भी और मेरी फैमिली पर। जी किया तो था, लेकिन डिटेल में कुछ नहीं बताया। अरे छोड़ो ना ज़ैन, क्यों पुरानी बातें दोहराना चाह रहे हो? नहीं क्यों छोड़ो रहे, जो लोग एहसान नहीं मानते वो एहसान फरामोश होते हैं। एहसान कैसा ज़ैन, आखिर दुनिया में लोग एक दूसरे की सपोर्ट करते ही हैं ना। नहीं राहिल, जो तुम्हारी फैमिली ने, तुम्हारे फादर ने, तुम्हारे ग्रैंडफादर ने मेरे साथ किया, वो सपोर्ट से कहीं ज़्यादा बढ़ता। यकीन करो रानिया कि मैंने समझो तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। अगर मैं तुम्हें तफसील से बताऊं तो तुम खुद हैरान रह जाओगे। तुम्हें आज एक बात और शेयर कर दूं। रानिया बहुत गरीब थी हमारी फैमिली। तुम इमेजिन करोगी कि राहील के दादा के घर में हमारे दादा मुलाजिम हुआ करते थे। अरे कैसी बातें कर रहे हो ज़ैन, ये सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें। नहीं क्यों छोड़ो रहे, जो लोग एहसान नहीं मानते वो एहसान फरामोश होते हैं। और तुम्हारी फैमिली ने जो मेरे साथ किया, आज मैं जो कुछ भी हूँ, पैसा, गाड़ी, ये हॉस्पिटल, ये सब तुम्हारी फैमिली की वजह से ही रहा है। और साथ में इतनी खूबसूरत बीवी भी। तो राहील साहब, इस सब का क्रेडिट कहीं ना कहीं आपको और आपकी फैमिली को भी जाता है। और तुम यकीन करो कि बहुत मिस किया राहील तुम्हें शादी, यहाँ तक कि मैं खुद तुम्हारे पुराने एरिया भी गया था, लेकिन शायद तुम लोग वो घर छोड़ चुके हो। मैंने बुआ से भी कहा कि वो लोग कहाँ हैं, उन्हें ढूंढें। यकीन करो तुम्हारे बगैर शादी का बिल्कुल मजा नहीं। सारी जिंदगी किराए पे रहने वालों का कोई परमानेंट एड्रेस नहीं होता, कभी इधर और कभी उधर। पता नहीं क्या बात है कद्दू साहब, दिल बहुत घबरा रहा है। कहीं ब्लड प्रेशर तो नहीं हो गया? नहीं, ब्लड प्रेशर चेक किया था, अब ठीक है। ये वजह नहीं है। फिर क्या वजह? बार बार रानिया का बहुत ख्याल आ रहा है। क्या मतलब? पता नहीं, बस दिल घबरा रहा है और रानिया का ख्याल आ रहा है। ये तुम औरतें भी कमाल करती हो, बेटी घर पर हो तो रातों को उठकर उसके कमरे में जाकर चेक करती हो कि खैर तो है। बेटी ब्याह कर अपने ससुराल चली जाए तब भी रातों को उठकर इसी सोच में पड़ी रहती हो कि बज़ाहिर तो खुश नजर आती है लेकिन हकीकत में भी ऐसा है या नहीं।